Hello everyone, welcome back. मैं जगेंद्र कुमार एंड इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन द थैलमस द फ्लोरास क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप. यानी हमें ये कहा गया है कि फ्लोर को किस किस बेसिस पे. दिस इज द वन इज ए कैलिक्स, सेकेंड इज कोरोला, थर्ड इज एंड्रोसियम एंड फोर्थ इज गाइनोसियम. इन चारों की पोजीशन के बेस पे फ्लोर को तीन ग्रुप में डिस्क्राइब किया गया है. अब वो तीन ग्रुप में किस किस में डिवाइड किया गया है, हम उसके बारे में भी डिटेल करेंगे. ये उन तीनों के ही डायग्राम बने हुए हैं और तीनों को करके हम एक एक करके डिटेल करेंगे. यहां पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ये वाला, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलमस. निट का क्वेश्चन रह चुका है कि जितने भी कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम जितने भी वॉर्ल होते हैं दे विल बी लोकेटेड ऑन दी, तो आपको याद रखना है दे विल बी ऑल आर लोकेटेड ऑन दी थैलमस, द इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड क्वेश्चन, यहां पर सबसे आपसे पूछा जाता है कि जो थैलमस है, यानी इसको तीन ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया, तो मैं इस फर्स्ट वाले के बारे में बात कर लेता हूं, बाकी हम आगे इनके बारे में बात करेंगे. दैट इज ए हाइपोगाइनस, फर्स्ट ग्रुप. हमने बात करी कि फ्लोर को तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, हाइपोगाइनस, सेकेंड दैट इज ए पेरीगाइनस एंड द थर्ड वन इज द एपीगाइनस. हम इनका मतलब समझ लेते हैं फिर इन सबों को डिफाइन करेंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाइपो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एपी. गाइनस का मतलब हो गया गाइनोसियम, यानी ओवरी, पहली चीज. हाइपो का मतलब होता है बिलो. यहां पर लिखा है पेरी, पेरी का मतलब पेरीफेरी. दूसरा गाइनोसियम यानी ओवरी, एपी का मतलब होता है अबव. ये तीन वर्ड आपने पढ़े. अब इन डायग्राम से इनको कंपैरिजन करते हैं, फिर इनकी एक एक करके डेफिनेशन विद देयर एग्जांपल हम डिटेल करेंगे और डेफिनेशन भी थोड़ा समझेंगे. डेफिनेशन थोड़ा यहां समझ लें, तो इसमें इस डायग्राम से इस चीजों को आपने क्या समझा. हाइपोगाइनस का मतलब होता है गाइनोसियम यानी ओवरी. ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ओवरी है. दैट जे आप पढ़ते हो स्टिग्मा, सबसे ऊपर मोस्ट वाला, दैट इज स्टिग्मा. ये जो है ये स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. यानी गाइनोसियम को यानी ओवरी तक पहुंचने के लिए तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया. तो हम ओवरी के बारे में बात कर रहे हैं, गाइनोसियम मतलब गाइनस मतलब गाइनोसियम की बात कर रहे हैं. तो ये जो गाइनोसियम है, हाइपो मतलब बिलो, गाइनोसियम मतलब ओवरी. जो ओवरी से नीचे की ओर लोकेटेड है, जो गाइनोसियम से नीचे की ओर लोकेटेड है थैलमस पर, तो तीनों स्ट्रक्चर को देखो, ओवरी सबसे टॉप पर है और ये जो है ये नीचे की ओर लोकेटेड है तीनों के तीनों. इसमें अगर बात की जाए तो इसमें आपको चारों के चारों क्या है, एक पेरीफेरी में, यानी जैसे एक चीज है बीच में, कोई चीज है मैंने ऐसे रख दिया, तो ये चार, ये जो फाइव फिंगर्स है मेरी, फाइव फिंगर्स इसके क्या है, पेरीफेरी पर है. पेरीफेरी पर यानी इसके बेस के चारों पेरीफेरी पर लोकेटेड है, तो इसका मतलब हुआ पेरीगाइनस. यानी गाइनोसियम के यानी ओवरी के पेरीफेरी पर जो लोकेटेड होते हैं उनको बोला जाता है पेरीगाइनस. थर्ड टाइप दैट इज एपीगाइनस. इसमें होता क्या है, जो ये थैलमस पार्ट होता है, ये थैलमस पार्ट थोड़ा एक्सटेंड करता है और ओवरी में अबव यानी ऊपर की ओर चले जाता है और वहां जाके फ्यूज कर जाता है. ये ऊपर गया यानी एक्सटेंड हुआ, थोड़ा एक्सटेंड होने के बाद ओवरी को कवर कर लेता है और वहां जाके फ्यूज कर जाता है और फिर ये वहां पर कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम आपको लोकेटेड होता है. गाइनोसियम को तो इसने कवर कर लिया थैलमस में, तो हम इनके बारे में बात करते हैं. अब हम करते हैं एक एक के बारे में बात. तो पहली बात की जाती है आपसे हाइपोगाइनस के बारे में. हाइपोगाइनस में जस्ट आपने देखा कि बिलो दी गाइनोसियम यानी ओवरी, ओवरी से नीचे जब कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम लोकेटेड होते हैं तो उसको बोलाता है हाइपोगाइनस. ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन इसकी होगी, इन द हाइपोगाइनस द फ्लोवर आर, जो फ्लोवर है
द फ्लोवर सॉरी इन हाइपोगाइनस फ्लोवर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाइएस्ट पोजिशन वाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। यानी ये तीन पार्ट तो नीचे की ओर प्रेजेंट है लेकिन गाइनोसियम जो है वो सबसे हाइएस्ट पोजिशन पे लोकेटेड है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो यहां पर गाइनोसियम लोकेटेड है कहां पर? हाइएस्ट पोजिशन पर, पहली चीज। दूसरा, अदर वॉरल जो है, इसके अलावा गाइनोसियम के अलावा कैलिक्स की बात करी, कोरोला की बात करी और एंड्रोसियम की बात करी, तो ये तीनों के तीनों लोकेटेड हैं बिलो दी गाइनोसियम, दैट इज कॉल्ड हाइपोगाइनस। पहली चीज आपने देखी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इसको याद रखने का तरीका, इसमें चार फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल ही आपसे पूछा जाता है। तो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल क्या है? बी एच एम एस है ना, एमबीबीएस होती है, जैसे जैसे बी एच एम एस बी होती है। तो यहां पर इनको याद रखना है, दिस बी इज स्टैंड फॉर ब्रेसिकेसी, पहला, दिस इज हाइपोगाइनस, ये क्या है? हाइपोगाइनस जो आप पढ़ रहे हो। दूसरा, इसमें एक और चीज इन्वॉल्व होती है, ये क्या है? मालवेसी, मालवेसी, और ये क्या है? सोलेनेसी, यानी सोलेनेसी। यानी ये तीन जो आपने फैमिली पढ़ी, इसके अलावा एक और फैमिली भी होती है, वो आप अलग से याद कर लेना, वो होती है बी एच एम एस, उसके अलावा एक और है एल, देयर इज ए लिलिएसी, तो मैं यहां लिख देता हूं एल, लिलिएसी, बी एच एम एस एल। तो इसमें ये क्या पढ़ा आपने? चार ये पढ़े, बी ब्रेसिकेसी, एच हाइपोगाइनस के बारे में बात कर रहे हो, एम फॉर मालवेसी और एस फॉर सोलेनेसी, ये आपको दे दिया। और एक और इसमें फोर्थ जो फैमिली है वो है लिलिएसी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनसीईआरटी में आपको इसके पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एनसीईआरटी में जो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं आप उनके बारे में देखें एक बार। तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा आपको ब्रेसिकेसी का, दैट इज मस्टर्ड, पहला एग्जाम्पल एक ये दे रखा है। दो जो एग्जाम्पल दे रखे, एक दे रखा है चाइना रोज, सॉरी एक ही एग्जाम्पल दे रखा है चाइना रोज, जिसको बोला जाता है जो है मालवेसी का एग्जाम्पल चाइना रोज, और सोलेनेसी का एक एग्जाम्पल दे रखा दैट इज ए ब्रिंजल, दैट इज ए ब्रिंजल। यानी क्या, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि इन तीन फैमिली के जो एग्जाम्पल हैं उनके अंदर जो फ्लोवर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? हाइपोगाइनस टाइप के होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है ऐसा समझना, क्योंकि देखो ये चीज यहां पे समझना है, हाइपोगाइनस अगर आपसे पूछे तो आप ऐसे याद रखो ना भाई, कि अगर सोलेनेसी के अगर मैंने पूछा कि वहां पर फ्लोवर किस टाइप के लोकेटेड है तो आप बोलोगे हाइपोगाइनस टाइप के होते हैं, तो वहां पर आपको फैमिली में इजी रहेगा याद करना। मालवेसी का एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज, या भिंडी की बात करी है ना, तो वो सबके सब किस में आते हैं, लेडी फिंगर जो होते हैं वो सबके सब किस में आते हैं? मालवेसी में आते हैं। ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड की बात कर ली, राई की बात कर ली आपने, या फिर आपने गोभी की बात करी, कोई सी भी टाइप की गोभी हो उस गोभी की बात करते हैं तो वो इसमें आती है ब्रेसिकेसी में। सोलेनेसी में आपने ब्रिंजल की बात करी, टोमेटो की बात करी, पोटेटो की बात करी, वो सारे सारे कहां आते हैं? सोलेनेसी में आते हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो फ्लोवर होते हैं वो क्या होते हैं? हाइपोगाइनस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप वाले को बोला जाता है, दिस सेकेंड टाइप दैट इज कॉल्ड पेरी गाइनस। पेरी फेरी पर, गाइनस के वहां पर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम प्रेजेंट होते हैं, यानी आपके पास कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम ऑल आर लोकेटेड ऑन पेरीफेरी, लोकेटेड ऑन पेरीफेरी। आप एनसीईआरटी का भी डायग्राम देखें, उस एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको ये चीज दिखा रखी है कि ये जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, ये सारे के सारे कहां लोकेटेड है? पेरीफेरी पर लोकेटेड है। अब ये पेरीफेरी पर कहां हो सकते हैं? एक पेरीफेरी पर यहां पर हो सकते हैं, या फिर मैंने बोला ये यहां पर भी लोकेटेड हो सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इन्फीरियर। देखो हाँ, एक वर्ड और यूज करते हैं, जैसे इसके लिए यूज करते हैं सुपीरियर। मैं लास्ट में इनके बारे में बताऊंगा, सुपीरियर इन्फीरियर क्या है मैंने बताया नहीं अभी, पर लास्ट में इनको बारे में डिस्कस कर लेंगे।
तो ये लोकेटेड होते हैं पेरीफेरी पर, इसलिए उनको बोलते हैं पेरीगाइनस, यानी गाइनोसियम के पेरीफेरी। गाइनोसियम के चाहे जैसे गाइनोसियम पेरीफेरी मतलब होता है सरफेस, बाउंड्री है, ये पेरीफेरी है, बीच में कोई चीज रखी है ये इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे यहां पर अगर कोई भी चीज लोकेटेड है तो उसको बोला था पेरीफेरी, तो ये पेरीगाइनस हो गए। इसका सिंपल एग्जाम्पल है याद रखने के लिए, इसके एग्जाम्पल याद रखने का सिंपल तरीका है, इंपॉर्टेंट है, देयर इज ए पी पी आर द पाम पीच रोज, पाम पीच रोज, आप काफी बार ऐसे जब भी पढ़ोगे तो पाम पीच रोज आपको रट जाएगा, पाम पीच रोज दैट इज अ पेरिगाइनस, पाम पीच रोज इज अ पेरिगाइनस, तो आपको याद रहेगा। तो पहला एक एग्जांपल क्या है इसका, पाम पीच एंड रोज, नॉट चाइना रोज, दिस इज द रोज। ये कंफ्यूजिंग है क्यों, क्योंकि आपने हाइपोगाइनस में जस्ट अभी पढ़ा था कि मालवेसी के क्या एग्जाम्पल आता है, गुड़हल, ये तो गुलाब है और वो आता है गुड़हल, ओके, तो ये इस टाइप का, तो पेरिगाइनस भी आपको याद रखना है। सेकेंड हो गया, या आपने एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है दोनों दोनों टाइप के, इसलिए इनको याद रखना है। नाउ द लास्ट वन, इस लास्ट वन में ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज ए थैलमस, ये क्या है, पूरा का पूरा थैलमस पार्ट बना हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है क्या, इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि भाई जो थैलमस है वो थोड़ा बहुत एक्सटेंड हुआ है ना, वो एक्सटेंड हुआ और उसने ऊपर जाके क्या है, इस पूरे मार्जिन इन ओवरी के कुछ मार्जिन को जाके कवर कर लिया और वहां जाके ये फ्यूज हो गया, और फ्यूज हो गया तो ओवरी के इसके अंदर ये जो पूरा मैप गैप दिख रहा है आपको बीच में, यहां पर ओवरी क्या हो गया, अब कवर्ड अप कर लिया ओवरी को, इसलिए इसको बोला जाता है द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रो अपवर्ड। ये थैलमस का कुछ मार्जिन जो होता है, ये मार्जिन ये वाला, ये मार्जिन क्या करता है, ग्रो करता है अपवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड जाके इंक्लूज कर लेता है ओवरी, ओवरी को कवर अप कर लेता है और वहां जाके फ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से इसके जो अदर पार्ट हैं वो अराइज करते हैं इससे अबव, दैट इज कॉल्ड थैलमस। समझाने के लिए सबसे बेसिक आइडिया, जैसे इसके लिए आपने कभी अमरूद देखा होगा, अमरूद में आपने बेसिकली जो सबसे पीछे का पोर्शन होता है ना, अमरूद में जो सबसे पीछे की पोर्शन होता है इधर की ओर, जिसको आप काट के फेंक देते हो, तो वो पार्ट कौन से होता है, यही वाला तो होता है जिसको आप काट के फेंकते हो, वहां पर ये सब लोकेटेड होता है। या फिर इसमें हाइपोगाइनस में बात करूं, आपने कभी देखा होगा ये बैंगन है, ये बैंगन है, ऐसे ही देखते हो बैंगन को, ठीक है, ये बैंगन है। या फिर मैंने एक टमाटर बनाया, सेब बना दिया, चलो यहां पर एक और सेब बना देते, एक सेब बना दिया इधर, एक सेब बनाया, तो आपने क्या देखा इस चीज में कि सेब में भी इस वाले पोर्शन को आप काट के फेंक देते हो, तो वहां पर वो क्या लोकेटेड होता है, वहीं पे यही तो लोकेटेड होता है भाई, वहां पर लोकेटेड होता है आपका एक एलेक्स कोरल एंड्रोसीम, ये सबके सब लोकेटेड वहां पे होते हैं एंड पॉइंट पे, जो यहाँ पे आप कट करके फेंकते हो। अनार देखा होगा आपने, अनार में भी कुछ ऐसे वो ऐसे इस टाइप से सबसे एंड पॉइंट में ऐसे नुकीले नुकीले प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो आता है आपका कैलिक्स, उसके अंदर होता है कोरोला, फिर एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सबका सब लोकेटेड होता है, यही सब आपको वहां मिलते हैं। लेकिन आप जब बैंगन देखते हो या फिर टमाटर देखते हो, तो बैंगन या टमाटर में आपको ऐसे नहीं मिलता, बैंगन में या टमाटर में सारा का सारा पोर्शन नीचे आ जाता, दैट इज ओवरी, ओवरी आगे भाग गई। ये मैं इनके बारे में दोबारा जस्ट बात करूंगा, बट आप फिलहाल इस चीज को समझें कि इनमें क्या हुआ कि ये जो कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम देखो कहां आ गया ऊपर। अब हम क्योंकि अपनी दैनिक लाइफ से इनको जोड़ा करो, अब मैं थर्ड टाइप के बारे में आपको बता रहा हूं, दैट इज एपीगाइनस, दैट इज एपीगाइनस। अब आपको पता है एपीगाइनस का मतलब क्या होता है, एपी मतलब होता है अबव, गाइनस मतलब गाइनोसियम के, यानी जितने भी ये स्ट्रक्चर हैं गाइनोसियम के ऊपर हैं, यानी ओवरी के ऊपर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोलता है एपीगाइनस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर क्या हो गई भाई कि एपीगाइनस में, चलो ये बात तो आपने बोल दिया कि क्या बोलते हैं अबव दी कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम जो है वो अबव दी ओवेरी है, चलो ठीक है भाई मान लिया, लेकिन इसके बाद में इसके जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे अब मैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं इसके बारे में अलग से क्या बोलना, तो इसमें क्या हुआ, थैलमस जो मार्जिन है, थैलमस मार्जिन ग्रो अपवर्ड, ग्रोज अपवर्ड, थैलमस मार्जिन ऊपर की ओर ग्रो कर गया, जिसकी वजह से ओवरी जो होती है वो कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड, यानी यहां जाके फ्यूज कर गई,
ओके, यानी ओवरी फ्यूज विद इन इट लिख देते हैं क्योंकि कंप्लीट होगा विद इन इट, इसके अंदर ओवरी फिर क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं एपिगाइनस। एपी का मतलब होता है अबो गाइनोसियम, गाइनोसियम के अबो ये सब लोकेटेड होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और यहां पे क्या आ जाती है, इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपको उन एग्जाम्पल के बारे में इनको याद करना है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं और क्या है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे एनसीईआरटी में आपको दे रखा है गुआवा, एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल दे रखा है गुआवा, अमरूद, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया। अब अमरूद में आप बेसिकली मैंने बोला ये कोई अमरूद है, सपोज करो ये अमरूद है, तो इस अमरूद में आपने यहां पे देखा है कुछ स्कार टाइप का जिसको आप काट के फेंक देते हो, तो यहां पर हुआ क्या कि ये जो काट के आपने फेंका दैट इज कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम, ये तो लोकेटेड होते हैं, ठीक है। उसी टाइप से आप इसका एक और एग्जाम्पल होता है एप्पल, एप्पल देखो आप, पोमग्रेनेट देख लो, पोमग्रेनेट यानी अनार की बात कर लिया तो अनार हो गया, और सनफ्लावर, और इंपॉर्टेंट है सनफ्लावर। अब सनफ्लावर के लिए भी ना दो टाइप के फ्लावर होते हैं, जैसे क्या है कि जब आप गेंदे का फूल खरीदते हो तो गेंदे में आप देखते हो ना कि साइड में बड़ी बड़ी ऐसी कोरोला होती है, साइड में बड़ी बड़ी ऐसे कोरोला होती है, और बीच में बिल्कुल छोटी छोटी सी ऐसी होती है, साइड में तो बड़ी बड़ी हो गई, बीच में कुछ छोटी छोटी होती है, तो जो साइड वाली वो होती है उसके लिए इसको यूज करते हैं, द रे फ्लोरेट्स ऑफ, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये पूरा ऐसे यूज करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, और एक और इसका एग्जाम्पल है, एक और इसका एग्जाम्पल है अनदर इंपॉर्टेंट, दैट इज ए कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। आप कोई भी फल फ्रूट देख लो उनके ओवरी का ये वाला पार्ट आपको टॉप पे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है गुआवा, एप्पल, पोमग्रेनेट, रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर, कुकुरबिटेसी, ये जितने भी एग्जाम्पल, कुकुरबिटेसी में क्या क्या आता है, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज है ना, और ककड़ी, ये सबके सब किसके एग्जाम्पल है, कुकुरबिटेसी के, है ना। तो कुकुरबिटेसी के सारे एग्जाम्पल है जो आप पढ़ते हो तो वो आपको याद रखने हैं। गुआवा, अमरूद, कोई फ्रूट्स इस टाइम पे आप जब भी चीज देखते हो उनको, जब भी आप कोई फल फ्रूट खाते हो तो उसको देखो और उसमें ये बेसिकली चीजें देखा करो कि आप हाइपोगाइनस किस फ्लोवर के टाइप के पढ़ रहे हो या फिर किस टाइप की ओवरी देख रहे हो। अब इसी बेसिस पे इनको अलग अलग उसमें क्लासिफाइड भी किया गया है, ये चीज आपने पढ़ लिया। अब डायग्राम से इनको तीन ग्रुप में और क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि हाइपोगाइनस, ये पहला वाला हाइपोगाइनस है, दिस इज योर हाइपोगाइनस, दिस इज योर पेरीगाइनस, दिस इज योर एपिगाइनस, ये तीन आपको दे रखा है। द हाइपोगाइनस यानी जिसमें ओवरी के नीचे तीनों के तीनों पार्ट पड़ जाते हैं और ओवरी आगे की ओर भाग गई, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बैंगन को समझा रहा था तो बैंगन में आपने देखा था, बैंगन में इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है, यहां उसका कैलिक्स उससे कंबाइन रहता है लेकिन जो उसकी ओवरी वो आगे की ओर चलेगी, तो ओवरी आगे की ओर चलेगी तो क्या है, सुपीरियर है, सुपीरियर, ये क्या है, सुपीरियर है, इस टाइम पे ये क्या है, ये सुपीरियर है। तो इस टाइम पे इन चीजों को याद रखना है कि कौन सुपीरियर है, तो हाइपोगाइनस में जो ओवरी होती है वो कौन सी होती है, सुपीरियर टाइप की होती है, हाइपोगाइनस में जो ओवरी है वो किस टाइप की होती है, सुपीरियर टाइप की होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें ओवरी में ये जितने भी वॉल होते हैं ये बोला है पेरीफेरी पर, क्या तो यहां लोकेटेड होंगे या फिर इसके हाफ यहां पर लोकेटेड होंगे, इसलिए इसको बोला था हाफ, हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर। आप इसके लिए कभी भी आप बेर खाते हो या आड़ू खाते हो या फिर रोज का फूल देखते हो तो उनमें आप देखना, कभी आपको वहां पर ये तीनों के तीनों वॉल जो है ओवरी से एक रिंग में प्रेजेंट होंगे या फिर उसके ऊपर की ओर प्रेजेंट होते हैं, यानी बीच में ओवरी के बीच में पड़े, तो ओवरी के यहां प्रेजेंट, इसलिए हाफ इन्फीरियर, यानी इन्होंने कोशिश तो करी ऊपर जाने के लिए तो कुछ तो पैरी, यानी नीचे से कहां आ गए, अब ऊपर आ गए, अब नीचे से ऊपर आए तो पहले तो इसके पेरीफेरी में पहुंचे तो इसलिए इनको बोल दिया पेरीगाइनस, तो वहां पर लोकेटेड है। दूसरा, इनकी कोशिश होती है कि ये हाफली प्रेजेंट हो जाए, है ना, बिलो दी ओवरी प्रेजेंट, सॉरी ओवरी के हाफ में जाके लिक्विड हो जाए, इसलिए इनको बोलता है हाफ इन्फीरियर। क्यों? क्योंकि कंप्लीट इन्फीरियर तो ये हो गया ना कि इसने पूरी ओवरी को जाके कवर्ड कर लिया, इसलिए उनको बोलता है इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब क्या, ओवरी इस टाइम पर बहुत पीछे आ गई। जैसे क्या, आपने अनार देखा होगा, ये अनार देखा है आपने, इस टाइप से कुछ अनार, इस टाइप से नहीं देखा होगा बट दूसरे टाइप का
आप अनार देखा होगा आपने, अनार जो भी होता है कुछ इस टाइप से देखो। अब अनार में ये वाला पार्ट जो होता है, ये सारे का सारा पार्ट जो होता है, अब देखो ओवरी कहाँ है, बिलो प्रेजेंट है। ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, ये ओवरी है, ओवरी नीचे की ओर प्रेजेंट है, इसलिए इसको बुलाता है कि ये क्या हो गया ओवरी। अब ओवरी क्या है कि यहां पर देखो ओवरी, इसमें आपने बेसिकली ये चीज देख ली कि ओवरी पीछे रहेगी, लेकिन इसमें ओवरी कहाँ है, ये ओवरी है पूरी की पूरी। देखो ये जो स्ट्रक्चर देख ली, ये ओवरी है आगे की ओर आगे, और इसमें ओवरी क्या है पीछे की ओर है, इसलिए इसको बुलाता है इन्फीरियरली लोकेटेड, और इसमें बुलाता है सुपीरियरली। इसमें क्या होता है ओवरी बीच में लोकेटेड होती है, इसलिए इसको बोलता है हाफ इन्फीरियर। जैसे देखो पहले वाले डायग्राम से देखो, पहले तो तीनों के तीनों नीचे थे, किससे, इस ओवरी से, फिर इन्होंने कोशिश करी कि ओवरी के ऊपर और पहुंचने की, यानी पहले पेरिफेरी में पहुंचे, फिर पेरिफेरी से कहां पहुंच गए, बिल्कुल ऊपर, यानी ओवरी को ही क्लोज डाउन कर दिया। तो इस टाइप से तीनों को पढ़ते तो हम बोलते हैं हाइपोगाइनस, द पेरिगाइनस, दैट इज एपिगाइनस, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इनकी डेफिनेशन विद देयर एग्जाम्पल। तो मैं एनसीईआरटी के भी डायग्राम यहां पर ऐड कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी के डायग्रामों को आप देखें जिनमें से आपको तीनों के बारे में दिया गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, इफ यू लाइक देन प्लीज वन शेयर। Okay, thank you.